फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू। जैसे कि आज अपना टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टेड है, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ये जो डेली यूज सेंटेंस मेरे लिए, मुझे मतलब ये अपने घर में डेली यूज होती है, मैं भी करती हूँ, ये आप भी करते हो, और इनकी इंग्लिश मुझे नहीं आती, ठीक है, या आपको भी नहीं आएगी। जैसे अपने डेली यूज में अपने मान लो कि ये ग्लास झूठा है, या अपने हेयर सुलझा रही हैं, या आपकी आवाज़ अपने फ़ोन पर बात करते हैं तो अरे आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, इसकी भी इंग्लिश मुझे तो नहीं आती है, या आई थिंक आपको भी नहीं आती होगी। इसके लिए प्रॉपर आंसर है हमारे पास में। इसके लिए मैं सर से हेल्प चाहूंगी, सर प्लीज कम ऑन स्टेज हमें। श्योर सोफिया, मेरे ख्याल से गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये जो वर्ड्स है ये बहुत यूजफुल है हमारे लिए। कैसे, चलिए आइए देखिए। ये वो डेली यूज सेंटेंसेस है जो हम डेली घर में यूज करते हैं, और अगर आप इंग्लिश में यूज करने लगे हो तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश आइसिंग ऑन द केक हो जाएगी। आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा। चलिए आइए मेरे साथ, पहला वर्ड है नखरे तो देखो इस महारानी के, लुक एट हर टेंट्रम्स। देखिए नखरे की इंग्लिश होती है स्टूडेंट्स टेंट्रम्स, टी ए एन टी आर यू एम एस। तो आप ये वर्ड हमेशा याद रखेंगे आज के बाद, टेंट्रम्स। आप वैसे भी किसी को बोल सकते हो, कोई कहता है यार बड़े नखरे दिखा रहा है, ही शी शोइंग टेंट्रम्स, ही और शी डिपेंड्स, बट यू शुड से द वर्ड टेंट्रम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोन की चार्जिंग कम हो रही है, द बैटरी ऑफ अ फोन इज slowing down, running down, dropping down. Dropping मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, नया word है students. तो use this word. Phone की charging कम हो रही है. The battery of a phone is dropping down. DROPPING. चलिए ससुराल और मायका, मेरे ख्याल से ससुराल ये word सब जानते हैं, in-laws, right? मगर गलती क्या करते हैं students, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने लिखा in-laws home, यहाँ पर आपने लिखा parents home. अब गलती क्या होती है स्टूडेंट्स, ये बताते हैं आपको। आपको जो अपोस्ट्रोफी लगाना है वो यहां लगाना है, यहां लगाना है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स के यहां लगा देंगे, इन-लॉज में यहां, ये गलत होता है। यू शुड यूज दिस अपोस्ट्रोफी आउटसाइड, आउटसाइड बिकॉज इट्स अ प्लूरल फॉर्म। सो यूज इन-लॉज होम, पेरेंट्स होम, पेरेंट्स होम दैट इज मायका, एंड ससुराल यू नो इट्स इन-लॉज होम। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाज आ जाओ। मेरे ख्याल से ये वर्ड बहुत बार यूज होता है, अपने कई बार किसी को बोल भी देते हैं यार बाज आ जाओ, स्टॉप doing it there and then. So you'll use the word stop it doing there and then. Stop doing it there and then. क्या सही है? तो मैं आपको बता दूँ, stop it doing there and then. चलिए मेरे साथ बोलिए, stop it doing there and then. Okay, you can. और मेरे ख्याल से advertisement के लिए आप बोलना चाहते हैं, you can. Hello friends, we have a set of three books. First is 70 lessons spoken English. Second is universal interview and group discussion both of Hindi and English. Third is MR interview. Thank you. स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से मैं एक बार रिपीट करवा दूं वापस, बाज आ जाओ। चलिए, स्टॉप इट डूइंग देयर एंड देन। सो यू यूज अ वर्ड स्टॉप इट डूइंग देयर एंड देन। चलिए आगे बढ़ते हैं, द वर्ड इज टॉफी, खोल दो। टॉफी आप खाते हैं, मैं आपको बता दूं अमेरिकन इंग्लिश में बहुत बार सिखाता हूं, बहुत से मेरे आप प्लेलिस्ट में जरूर जाना, वहां पर आपको मेरे अमेरिकन एक्सेंट वीडियोस मिलेंगे, जिसके अंदर मैंने आपको टॉफी वर्ड का बताया था, दैट इज नोन एज कैंडी। तो पिल ऑफ द कैंडी, यू यूज अ वर्ड, आप जब पर्टिकुलर वेफर खुलवाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, पील ऑफ द कैंडी, PEEL। देखो केले का जो छिलका हो रहा है, आप नोटिस करिए कि जब आप फ्रूट को भी खोल रहे हैं तो दैट इज टू बी नोन एज पील ऑफ। तो यू यूज दिस वर्ड हियर आल्सो, पील ऑफ द कैंडी, टॉफी मत बोलना, कैंडी बोलना अच्छा लगेगा। चलिए, आपकी आवाज कट कर आ रही है, ये शायद सोफिया ने आपको बोला भी था कि फोन हम बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है, तो हम क्या बोले, यू आर ब्रेकिंग अप, आई एम सॉरी यू आर ब्रेकिंग अप। आप ऐसा बोलिए, अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स, उनको मालूम चल जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं। आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं आपसे फोन पर बात कर रहा हूं और आपकी जो आवाज है वो कट कट कर आ रही है, तो आप क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, सॉरी, आप कुछ भी बोलिए, यू आर ब्रेकिंग अप। ओके, चलिए, रुकिए बुलाती हूं, एग्जाम्पल आप फोन पर लगे, हाँ एक मिनट प्लीज, हैंग ऑन आई डू, क्या बोलेंगे आप, हैंग ऑन आई डू। देखो डू का मीनिंग वैसे करना है, मगर यहां पर उस कार्य को करना है, तो इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज राइट। यू यूज दिस वर्ड, रुकिए, हैंग ऑन, प्लीज हैंग ऑन, जस्ट वेट, एक्सक्यूज मी, प्लीज हैंग ऑन। उसके बाद आपको क्या बोलना है, आई डू, हैंग ऑन आई डू। आप कुछ भी तरीके से बोलिए, यू आर ऑलवेज राइट। तुमने मुझे आज कैसे कॉल किया, हाउ डिड यू रिंग मी अप टूडे, बोलिए, हाउ डिड यू रिंग मी अप टूडे। हाँ, एक और तरीका है, हाउ डिड यू Call me up today. दोनों ही सही है स्टूडेंट्स, चलिए कुछ नया देखते हैं, How did you ping me today? PING, ये भी सही है। हाँ, कोई नया मीनिंग है, नया वर्ड है, कुछ और भी मीनिंग्स बनते हैं, मगर यहां पर भी ये गलत नहीं है, How did you ping me today? Okay? You'll use that word PING. चलिए आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, बालों को ठीक करो, set right your hair. Set right your hair. कई बार मैं सोफिया को बोलता हूँ, सोफिया हम वीडियोस बनाने जा रहे हैं, प्लीज सेट राइट योर हेयर। अच्छा, यहाँ पर एक और वर्ड है, सुलझा लो, सुलझा लो के एक अलग से वर्ड बनेगा, दैट इज डिटैंगल योर हेयर।
detangle, detangle, detangle your hair. You'll use this word. चलिए, यह ग्लास झूठा है. This is a used glass. This is a used glass. U-S-E-D. शायद सोफिया आपने ये वर्ड यूज किया था और पानी का ग्लास बोल दिया था. तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि सोफिया की लाइन को मैं और एड ऑन करूं तो मेरे को अगर बोलना हो कि पानी झूठा है, मैंने अभी तक ग्लास बोला था यूज्ड ग्लास, मगर मैं बोलूं पानी झूठा है, यू विल यूज द वर्ड द वाटर इज ओट, ओ आर टी, ओ आर टी, यू यूज द वर्ड द वाटर इज ओट. अगर आपको लगता है सर ये और वर्ड हमने कभी नहीं सुना, कोई बात नहीं, आप दूसरा वर्ड यूज कीजिए, द वाटर इज डिफाइल, डी ई एफ आई एल ई, द वाटर इज डिफाइल. ये क्या हुआ, पानी झूठा है. मगर ग्लास झूठा है तो आप बोलेंगे दिस इज अ यूज्ड ग्लास, यू एस ई डी. मगर पानी झूठा है तो आप क्या बोलेंगे, दिस वाटर या द वाटर इज ओट, ओ आर टी, या फिर आप यूज करेंगे डिफाइल, डी ई एफ आई एल ई. मेरे ख्याल से स्टूडेंट सारे वर्ड ये 10 लाइंस आप क्लियर हो चुके हैं और इस छोटे से वीडियो के अंदर आप बहुत कुछ सीख सके हो. तो मैं चाहूंगा सोफिया से फिर से कि आप रिक्वेस्ट जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं. फर्स्ट नोट मैं आपको थैंक यू बोलना, जो कि आपने इतनी अच्छी इजीली हमें मुझे समझाया कि मुझे काफी अच्छा लगा, समझ में भी आया. मेरे ख्याल से मेरे स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छा लगा होगा. मैं एक बात और बता दूं स्टूडेंट्स, आपने हमारी लास्ट वीडियो जरूर देखी होगी, 2 मिनट 28 सेकंड अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से शायद. देखो उस वीडियो के अंदर हमने आपको 7 डेज की ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करते हैं, आप यहाँ पर आ सकते हो. और अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर आप कहते हो सर मैं ग्रामर सीखना चाहता हूँ, मैं ये, मैं वो, मैं इंटरव्यू सीखना चाहता हूँ, आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हो. उसकी एक्सप्लेनेशन में, डिस्क्रिप्शन में हमने ये बात आपको बता रखी है कि चॉइस आपकी कि आपको क्या चाहिए. तो हमने टेलीफोन टीचिंग भी शुरू की है और वो मेरे ख्याल से आज जो हमें कॉल्स आई है, हमसे जो बात हुई व्हाट्सएप पे, हमें बहुत फ्रूटफुल आंसर्स मिले. हाँ टाइमिंग आपको ऑकवर्ड मिलेंगे, हम पहले से आपको बता देते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको टाइमिंग मिल जाएगा डे टाइमिंग में, नून ऐसा नहीं होगा, अर्ली मॉर्निंग मिलेगा 5 o'clock, 4:30, 6 o'clock, जो टाइमिंग अभी हम दे रहे हैं लोगों को और हम पढ़ा रहे हैं. तो आप अपनी चॉइस के टॉपिक हमें कह सकते हैं. 1 वीक की आपकी ट्रेनिंग होगी टेलीफोनिकली, यू कैन गो विद एनीथिंग. अगर आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं इंटरव्यू, अगर आप कहते हो सर मैं अमेरिकन एक्सेंट सीखना चाहता हूं, यू कैन गो विद दैट. इफ यू वांट टू डेवलप योर ग्रामेटिकल दैट इज ओके. इफ यू वांट विद अमेरिकन, यू वांट टू गो विद इंग्लिश फ्लुएंसी, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन टॉक टू अस थ्रू द व्हाट्सएप नंबर विच इज गिवन, और यू कैन गो टू अवर साइट ऑल्सो विच इज डिटेल इज ऑलरेडी गिवन इन द एक्सप्लेनेशन. सो प्लीज कैरी ऑन. थैंक यू स्टूडेंट्स. डियर फ्रेंड्स, जैसे कि ये मेरे लिए काफ़ी लाभदायक रहा, आपके लिए भी रहा आई होप. जैसे कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगे, और आपको कोई भी क्वेश्चन करें तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम आपको आंसर देंगे. प्लीज़ एक हमारे साथ छोटा सा रेड कलर का बटन, उसे क्लिक करना ना भूलें, और उसके साथ छोटी सी बेल उसे क्लिक कीजिए, जो हमारा जो भी वीडियो है हम सबसे पहले आप तक पहुँचे. इसके लिए प्लीज़ थैंक यू सो मच.